आज ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिंपल ब्लाउज काटा जाता है, सिंपल ब्लाउज कैसे काटा जाता है। तो उसके लिए मेरे को पेपर लेना होगा और इंची टेप से ले लेना होगा। पहले मेरे को ब्लाउज का नाप दिया हुआ है, तो ब्लाउज का नाप जो होता है, ब्लाउज का नाप मेरे पास है, तो मेरे को ब्लाउज का नाप 10 दिया गया है। तो मैं ये ब्लाउज ऐसे टाइप में है, ब्लाउज में ऐसे दिया हुआ है तो 1 इंची ज़्यादा लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो 1.5 इंची ज़्यादा लेंगे बस फ्रेंड्स। तो मेरा ब्लाउज का नाप है 10, तो 10 है तो मेरे को क्रॉस पट्टी देना है, तो 11.5 देंगे और हमेशा कंधा 6 पर होगा। हमेशा जो सीना का लंबाई होता है वो 6 पर होगा। इसको भी एक बार कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड्स, कंधा हमेशा 5.25 होता है। अगर मोटे आदमी रहेंगे तब 6.25 दे सकते हैं आप, 6.25 दे सकते हैं। अब मेरे को सीना का नाप दिया हुआ है 30, तो 7.5 लेंगे। और कमर का नाप दिया गया है 6 है तो 6 लेंगे, उसमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे टेकिंग के लिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए ब्लाउज में एक टेकिंग होता है, इसको नापना पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स ऐसे करके आप नाप लीजिएगा जितना होगा, पर मैंने पहले से ही नाप के रखा है, तो जितना भी आपका मेरा 8 है तो उससे 1/2 इंची ज़्यादा लेना है, तो 8.5 और ले लिए, उसमें 3.5 और इधर भी 3.5। अब जो आपने ये किया है उससे खींच लीजिए, हो गया, ये खींच लीजिए, ये फ्रेंड्स हो गया। इसको भी यहाँ से जहाँ पर निशान दिया गया, यहाँ दिया गया है निशान, तो यहाँ मिला लीजिए, इसको भी ऐसे मिला लीजिए, इसको भी ऐसे मिला लीजिए। और ये हमेशा जो ये टेकिंग आता है, ये हमेशा इधर एकदम कॉर्नर पाएगा ऐसे। और उसके बाद ये जो इस साइड का जो टेकिंग होता है, इस साइड का ऐसे, तो ये हमेशा ऐसे जाता है, हो गया। अब जितनी जितनी दूरी पर है तो इतनी दूरी पर कर लीजिए, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये एकदम ये ऐसे जाएगा। और फ्रेंड्स, और जो क्रॉस पट्टी होता है ये आप यहाँ से ऐसे करके दे सकते हैं। और गला हमेशा 6 पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर 6 पर है, एकदम पूरा 6 है, तो 6 पर ही दीजिएगा। आप कटिंग के लिए ऐसे यहाँ पर कुछ रख दीजिए, गोल कटिंग करना है तो फ्रेंड्स ऐसे, ये ऐसे हो गया निशान जहां पर है, ये ऐसे हो गया। इसको अभी जहां पर निशान दिया जाता है, और 1 इंची हमेशा कपड़ा एक्स्ट्रा काटिए, हो गया ये ब्लाउज हो गया। अब जहां जहां टेकिंग दिया हुआ है ऐसे कर लीजिए, ऐसे, मेरा पैर नहीं दिखना चाहिए ऐसे। और इस यहां भी है निशान, तो इसको ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब पीछे का फ्रेंड्स काटना है।
अब आप ये जो यहाँ पर टेकिंग दिया, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लीजिए, देखा निशान लगा लीजिए। अब पीछे का काटना है फ्रेंड्स, तो पीछे के लिए फिर से लेना होगा, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि किनारे इस साइड आना चाहिए, ना कि ऊपर आना चाहिए। ये हो गया, एकदम इसी के बराबर काटना है। फ्रेंड्स पीछे का हमेशा छोटा कटता है, देखिए देखिए मैंने छोटा रखा है, ये ऐसे हो गया। इस पर यहाँ कुछ रखिए, पीछे का जितना भी बड़ा हो। ये ऐसे हो गया एकदम बराबर, ये भी ऐसे हो गया फ्रेंड्स, और हमेशा पीछे का बड़ा काट। अब ये नहीं कि पूरा बड़ा काट लीजिए, ये देखिए मैंने बड़ा काटा, हो गया। ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर हुआ, और इसके पीछे टेकिंग देना है तो 3.5 पर, और यहाँ से 5 इंची ऊपर। ये हो गया यहाँ निशान, अब इस पर भी निशान कर लीजिए। ये हो गया, आप निशान लगा लीजिए, और गला जितना पीछे बड़ा करना है आपको, पैसे नापिए। ऐसे नापिए, ऐसे नाप के कर लीजिए। ये देखिए पूरा मस्त हुआ गला, ये हो गया आगे और पीछे का। तो अब बाजू काटना है, तो बाजू के लिए कपड़ा लीजिए, मतलब पेपर, ये पेपर ऐसे लीजिए, इस पेपर को ऐसे करिए। मेरे ब्लाउज का नाप है, मेरे जैसे आप बाजू का लंबाई ऐसे ले सकते हो, ये देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे करिए, ऐसे लीजिए, जितना भी हो उससे 1/2 इंची बस ज़्यादा रखिए। मेरा बाजू का जो लंबाई है 3, तो मैं 3 ली, उसके बाद वहाँ से जहाँ निशान दी हूँ वहाँ 2 ली, 2 पर निशान दी, और चेस्ट अगर 30 हो तो 6 6 देंगे, और चेस्ट अगर 32 हो, 34 हो तो 6.5 देंगे। तो ऐसे ही कर लीजिए, ये हो गया। अब देखिए गोलाई जितना हो, 4.5 है तो यहाँ निशान लगा लिए, हो गया ये ऐसे है। हमेशा कपड़ा ज्यादा काटिए, ये हो गया, ये देखिए जहां पर ये करना है यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ओके यहाँ पर ऐसे हो गया, और हमेशा यहाँ पर कटे ही, ये आगे का हुआ।
ये हो गया कट गया, और आप ऐसे निशान लगा लीजिए, हो गया फ्रेंड्स। और ये हमेशा ये कटिंग वाला आगे ही रहता है, हमेशा ये कटिंग वाला आगे रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हम जब बोलेंगे बंद करने कर देना। ओके फ्रेंड्स बाय। अब ये हो गया, मैंने आज आप लोगों ने सीखा कैसे बनाया जाता है, तो ये अब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी सूट काटने के लिए। ओके फ्रेंड्स बाय।